अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं अपना ईद का व्लॉग शेयर नहीं कर सकी, इसलिए थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ यूएई में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारी ईद होगी वो 22 यानी हफ्ते को होगी, लेकिन जब ये चांद देखने बैठे जो मैं रात को 20 तारीख को, तो बस सऊदी अरब में अचानक अनाउंसमेंट हो गई हमारा रोज़ा खोलने के बाद ही, कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट हुई कि ईद का चांद नज़र आ गया है और कल ईद होगी। और थोड़ी देर के बाद हमारे यहाँ यूएई में भी अनाउंसमेंट हो गई कि हम लोगों की भी ईद है कल। तो बहुत ही अफरा तफरी का आलम हो गया और एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ये भी हो गया, हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा सा चेंज हुआ ऐसे कि जो ईद उल फितर है हम लोग मैं अपनी सिस्टर की तरफ मनाती हूँ, वो दुबई में रहती हैं, तो हम वहाँ जाते हैं और ईद उल अधा पर वो लोग यहाँ आते हैं। तो इस दफ़ा मेरी सिस्टर ने कहा कि हम लोग आपकी तरफ आएंगे और बस जैसे ही हमें पता चला कि कल ईद है और जो गेस्ट हैं वो जनाब कुछ घंटों के बाद आ रही हैं, तो हम लोग फटाफट भागे मॉल और वहाँ से हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो बस फटाफट ग्रॉसरी की, कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी और बस यहाँ पर मैं करीब में जो मुशरफ मॉल है वहाँ चली गई थी। खाना पकाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये पूरा सेक्शन है ऑयल्स का। तो ये ATD का जो सरसों का तेल है ये अच्छा भी है क्वालिटी वाइज और चीपेस्ट भी है, बाकी जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं अच्छी खासी जो ऑयल की बॉटल्स ले लूँ, क्योंकि ये हाफ लीटर की है, तो कम अज़ कम मैं कही थी कि पूरे मंथ की यहाँ पर मैं ले लूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर फ़ौरन सब भी ख़त्म हो गई हुई हैं। और बाकी यहाँ से बस फटाफट सब चीज़ें ली जो कि स्वीट डिशेस वगैरह जो बनानी थी उसके लिए। बस जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट की और घर आते आते तकरीबन 1:30 बज गए थे, और घर आते साथ ही बस मैंने पहला काम यही किया कि स्वीट डिश बनाने रख दूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं कस्टर्ड सेवइयाँ बना रही हूँ, अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं और 3 किलो मैंने दूध लिया और उसके अंदर मैंने सेवइयाँ और सेब शामिल कर दिए। तकरीबन 2 सेब मैंने, वो छोटे मेरे पास थे तो मैंने वो शामिल किए हैं इसके अंदर, क्योंकि सेब से भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। ये देखिए मैं इसके अंदर कस्टर्ड डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और जब ये थिक हो जाएगा तो बस इसकी आग बंद कर दूँगी। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और ये फ्रूट कॉकटेल डाल रही हूँ, ये भरा टिन इसके अंदर, बस इसको मिक्स कर लूँगी। ईद की नमाज़ से पहले आना था सिस्टर ने, तो वो लोग लेट हो गए हैं, तो अब हम पास की मस्जिद है वहाँ पर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, वरना पहले हमारा इरादा था कि हम शेखज़ाद मस्जिद में जाएं और वहाँ जाकर हम नमाज़ पढ़ें। कीमा बिरयानी बनाऊंगी मैं आज, इसलिए मैं कीमा रेडी कर रही हूँ और फिर दोपहर में खाना खाना होगा तो इसके बाकी काम कर लूँगी। अच्छा, रमज़ान में सब अपनी अपनी इबादत कर रहे होते हैं बहुत पुरजोश तरीके से और रोज़े रख रहे होते हैं, छोटी छोटी सी नेकियां कर रहे होते हैं, कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, लेकिन जब रमज़ान ख़त्म होता है तो ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस बार हमने कोशिश पूरी करनी है कि ये जो छोटी छोटी सी अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी सी नेकियाँ हैं, इनको हमने कंटिन्यू करना है। और जो भी कोई अच्छा काम आपने इस रमज़ान में शुरू किया था तो इसको आपने पूरा साल लेकर चलना है। मेहमानों की तशरीफ आवरी तकरीबन 10:30 बजे हुई, तो आते साथ ही मैंने कस्टर्ड सेवइयाँ सर्व कर दी हैं, क्योंकि फिर आगे जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। और सेवइयाँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था,
और सबने बहुत इन्जॉय की। हाँ जी पापा, सही है। अच्छा हमारी जो होती है थैंक यू बोले, थैंक यू। ईद सिर्फ नए कपड़े, लजीज खानों और ईदी का नाम नहीं है, ये मोहब्बत, माफ़ी और ख़ुशी फैलाने का नाम भी है। अपनी तमाम रंजिशों को भूल कर एक दूसरे को गले लगाने का नाम ईद है। अपनी खुशी के मौके को मनाते हुए हमें अपने प्यारों को भी याद रखना चाहिए जब हमारे साथ नहीं है, इनकी रूह के लिए दुआगो रहना चाहिए। हमें अपनी छोटी से छोटी चीज़ की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। आइए हमारे पास मौजूद खाने, पहनने वाले कपड़ों और अपने सरों पर छत के लिए शुक्रगुजार बने। आइए अपनी नियमतों को शुमार करें और हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के हम सब लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब उठकर खाने की तैयारी है, तो जितनी देर खाने में टाइम है उतनी देर चाय के साथ ये थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों ने रेडी की हैं कि चलो तब तक थोड़ी सी तसल्ली दी जाए पेट को। तो ये लीजिए जनाब, खाना तकरीबन रेडी है और यहाँ पर मैं बिरयानी को दम दे रही हूँ। तो जनाब खाना बिल्कुल रेडी है और मैंने यहाँ पर बीफ की मैं बिरयानी बनाई थी और उसके साथ साथ गोश्त, और बेटी ने पिज़्ज़ा बनाया और साथ स्वीट डिश में कैरमल क्रीम डिज़र्ट बनाया है। आपने मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी ज़रूर देखी होगी और अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऊपर। ये डिज़र्ट बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मूवी टाइम हो चुका है लेकिन आधी से ज़्यादा आवाम सो रही है और कुछ लोग ही हैं जो जागे हुए हैं और जो मूवी देख रहे हैं। ईद के दूसरे दिन का आगाज एक मज़ेदार नाश्ते से किया, एग ब्रेड के साथ आलू के पराठे सर्व किए हैं। नाश्ते के बाद कहवा सर्व किया और फिर मैंने सोचा कि चलो अंडे और दूध से बनी हुई सूजी का हलवा बना लिया जाए, तो बस फिर वो रेडी किया।
मजमूई तौर पर तफरी, कहकों, जोश और एडवेंचर से भरी हुई ईद गुजरी और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ईद तो नाम ही अपने प्यारों के साथ ईद गुजारने का है। तो इस तरह हमने अपनी ईद का अहतमाम किया। UAE पाकिस्तानी लेडीज़ कम्युनिटी ने रॉयल गुजरात में ईद नन पार्टी का अरेंज किया, तो बस वही हम इंजॉय करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और सबके लिए कुछ ना कुछ था। और एक कॉर्नर में इन्होंने ये चीज़ें डिस्प्ले भी की हुई थी, अगर कोई लेना चाहे, बाय करना चाहे, तो वो भी चीज़ें अवेलेबल थी। और यहाँ पर अभी हाई टी बफे की अरेंजमेंट्स चल रही हैं, तो बस अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर गानों का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी प्यारी सी फ्रेंड मारा ये राउंड जीत चुकी है, तब ये इनका फाइनल राउंड होगा। पाकिस्तानी का Oh
तो जनाब यहाँ पर हाइटी बुफे स्टार्ट हो चुका है और इनकी हाइटी बुफे भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही वैरायटी है यहाँ पे। और यहाँ पर सूप, इसके अलावा ड्रिंक्स में मिंट मार्गरिटा और लेमन स्क्वैश थी, और इसके अलावा गोलगप्पे, चना चाट और बेकरी आइटम्स, सैंडविचेस, फ्रूट ट्राइफल, खीर, जलेबी और गुलाब जामुन, इसके अलावा पेस्ट्रीज की डिफरेंट वैराइटीज़, और उसके अलावा बारबेक्यू, पास्ता, स्पैगेटी, लोडेड फ्राइज, कबाब, और फिर वहाँ पे मिनी पैटिस, विंग्स और हलीम और चाइनीज़ राइस भी थे। इसके अलावा पकोड़े और समोसे और नॉर्मल वाले फ्राइज और फिश और पिज़्ज़ा, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थीं और सब गर्मा गर्म थी। जिस जैसे ख़त्म हो रही थी तो उसका रीफिल आ रहा था, वो जो इनका स्टाफ था वो फिल करता जा रहा था। हालांकि क्राउड बहुत ज़्यादा था लेकिन गर्म गर्म और फ्रेश चीज़ें आती रहीं। हाँ जी जनाब, मिसेस सिमा, क्या कहेंगी आप, बोलें कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मज़ा आया? तो ऐसे हमने अपनी ईद सेलिब्रेट की। और जाने से पहले मैं आपसे बस यही कहूँगी कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।